मुबारक हो, हमने पिछली वीडियो में दो लेयर्स को सीख लिया था। अगर तुम लोगों ने सीखनी है पहली और दूसरी लेयर सॉल्व करना तो जाके सीखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे रूबिक्स क्यूब की लास्ट लेयर, थर्ड लेयर, लास्ट स्टेप, जो भी बोलना यार बोलो। लेकिन मैं कसम खाता हूं कि तुम लोग ये वीडियो देखने के बाद अपनी लास्ट लेयर को सॉल्व कर लोगे। लेकिन तुम लोगों को एक वादा करना पड़ेगा कि पहले एक दफा वीडियो पूरी देखोगे, उसके बाद क्यूब लेकर सॉल्व करना शुरू करोगे। अगर तुम लोग अभी क्यूब पकड़ के बैठे हो और साथ साथ सॉल्व कर रहे हो, नहीं, पहले एक दफा देख लो, उसके बाद वीडियो देखते देखते सॉल्व करना। आई थिंक तुम लोग समझ रहे हो, क्योंकि अंदर बहुत से केसेस हैं जो तुम लोग फिर कहते हो हमारा सॉल्व ही नहीं हो रहा। तो मैं दुनिया का सबसे आसान ट्यूटोरियल ले आया हूं, एक दफा देख लो पहले पूरा। अच्छा, सबसे पहले जब हमने फर्स्ट टू लेयर्स बना ली, उसके बाद हमने बनाना है एक क्रॉस येलो का, ठीक है। हमने ये दो एजेस और ये दो एजेस, लाइक ये चार एजेस के टॉप पे येलो लेकर आना है। तुम लोगों को तीन कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, तुम लोगों ने कॉर्नर्स को यहां अभी इग्नोर करना है, हम अभी सिर्फ एजेस की बात कर रहे हैं। तीन कंडीशंस क्या है? डॉट केस जो पहले से ही है, या फिर दो के टॉप पर येलो होगा, लाइक एक एल बन रहा होगा या एक लाइन। अच्छा, कंफ्यूजिंग है, मुझे पता है, हम स्टार्ट करते हैं। तुम लोगों ने सारे केसेस सेम मूव से सॉल्व करने हैं। आर यू, आर प्राइम, यू प्राइम, याद है? आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, सेम वही जिसे हम फर्स्ट लेयर के कॉर्नर सॉल्व करते थे, वही एल्गोरिथम है। बट उससे पहले एफ और एंड पे एफ प्राइम लगा देना है। अब वो क्या है मैं बताता हूं। हमारा अभी केस क्या है, हमारे टॉप पर एक डॉट है, ठीक है, कोई एक भी एच के टॉप पे येलो नहीं है। तो सिंपली कहीं से भी होल्ड करके, सबसे पहले एफ का मतलब है फ्रंट लेयर, फ्रंट लेयर को घुमाएंगे क्लॉकवाइज। मैंने क्लॉकवाइज घुमाया फ्रंट लेयर को। अब आर यानी के राइट को ऊपर, यू यानी के अप को उधर, आर को नीचे, अपर लेयर को वापस, और जो हमने एफ किया था ना उसको भी हम कर देंगे वापस। अच्छा, अब देखो, अब हमारे दो के टॉप पे येलो आ गया और हमारा एक एल बन रहा है, ऐसे ही है, एल बन रहा है ना। तो अब हमने एल को रखना है इस तरह, लाइक इस तरफ दो खाली और इस तरफ दो येलो जिनके टॉप पे, एल को इनवर्टेड, ऐसे नहीं, ऐसे रखना है और दोबारा यही मूव लगाना है। सबसे पहले फ्रंट लेयर को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, और फ्रंट लेयर को ठीक कर देंगे। और अब बन गई लाइन, लाइन को हमने रखना है हॉरिजेंटल ऐसे, ठीक है, और दोबारा यही मूव लगाएंगे, फ्रंट को ऐसे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, और फ्रंट लेयर को वापस, और हमारा बन के तैयार है क्रॉस। कॉर्नर्स इग्नोर करो, क्रॉस बन गया। अच्छा, क्रॉस बनाते हुए शायद तुम लोगों के पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि कोई एक का एज बच जाता है, मतलब तुम लोग एल्गोरिथम लगाते जा रहे हो लेकिन एक एज के टॉप पे येलो नहीं आ रहा, तीन के टॉप पे या एक के टॉप पर है। तो सिंपली उस एज पीस को बाहर निकालो, मैंने बाहर निकाला, और सिंपली उस एज पीस को ठीक करके लगा दो, ठीक है, जिस तरह मैंने बाहर निकाला उसी तरह निकालना है। लेकिन 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 ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए कि पास्ट में तुम लोगों का क्यूब खुल गया था और तुम लोगों ने उसे गलत जोड़ दिया। अब हमने ठीक कर दिया, बेहतरीन, अब कभी नहीं ये सिचुएशन आएगी। क्रॉस बनाने के बाद हमने ये सारे एजेस को उनके सेंटर पीसेस से मिलाना है। अच्छा, सबसे पहले हम वैसे ही मूव्स करेंगे, तो कोई दो मिल गए, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, लाइक आमने सामने वाले दो मिल गए और आमने सामने वाले, लाइक साइड्स वाले दो नहीं मैच कर रहे, ऐसा ही है। तो हम ये मूव्स लगाएंगे, कहीं से भी होल्ड कर सकते हो तुम लोग जब आमने सामने वाले दो मैच हो और ऑपोजिट ना हो। अब ये मूव्स को चाहे तुम लोग इग्नोर करो, तुम लोग यहां पर नोट करो मैं क्या कर रहा हूं। मैं इस पेयर को बाहर निकाल रहा हूं, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, ये पेयर बाहर आ गया। अब यू को एक दफा आगे करूंगा और डायरेक्टली इस पेयर को यहां पे इंसर्ट करूंगा, आर को ऊपर करके यू टू यानी कि ऊपरी लेयर को दो दफा घुमाऊंगा और नीचे करूंगा, तो मेरा वो पेयर इंसर्ट हो गया। अब मैं ऊपरी लेयर घुमा घुमा के देखूंगा क्या कोई मैच हुआ। अच्छा, दो पास पास वाले खराब हो गए और दो पास पास वाले मैच हो गए, ऐसे ही है, पिछले में ऑपोजिट थे ना, लेकिन अब दो पास पास वाले मैच हैं, दो पास पास वाले खराब हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो दो पास पास वाले खराब है ना, एक को हमने लेफ्ट में रखना है, एक को फ्रंट पे, कुछ इस तरह, और जो सॉल्व है वो ऐसे आ जाएंगे राइट और बैक में, ये रहेगी हमारी होल्डिंग पोजिशन। इस तरह पकड़ के हमने दोबारा यही मूव लगाना है। सबसे पहले आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे करके हमने पेयर बाहर निकाला, पेयर को आगे किया और अब डायरेक्टली इंसर्ट कर देंगे, आर को ऊपर, यू टू, आर को नीचे। अब हम जब अपने एजेस को मिलाकर देखेंगे तो सारे एजेस अपने सेंटर से मैच्ड। अच्छा, एजेस को मैच करने के बाद हमने अब कॉर्नर सिर्फ सॉल्व करने है ना, तो हम एक ऐसा कॉर्नर ढूंढेंगे जो ठीक जगह पर हो या ठीक तरह से हो। अच्छा, ठीक जगह पे क्या है? अच्छा देखो, येलो को इग्नोर करो और ये वाले कलर्स देखो, ब्लू ऑरेंज। अब इस कॉर्नर में देखो, इस कॉर्नर में है ब्लू रेड, नहीं मैच नहीं ना कर रहे। अच्छा, उसी तरह ये देखो, ब्लू ऑरेंज और ग्रीन ऑरेंज मैच नहीं कर रहे। अच्छा, यहां देखो, रेड ग्रीन
और रेड ग्रीन मैच कर रहा है, यानी ये कॉर्नर ठीक जगह पर है। मतलब अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो इसको बोलेंगे हम ये ठीक तरह लगा हुआ है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे ही रखेंगे तो ये ठीक जगह पर है। तुम लोगों ने ट्विस्ट नहीं करना, तोड़ बैठोगे। तो तुम लोगों को कोई एक कॉर्नर पीस ठीक जगह पे मिल जाएगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, तुम लोगों को कोई एक भी कॉर्नर ठीक जगह पर नहीं मिलता ना ठीक तरह से, तो तुम लोग कहीं से भी होल्ड करके ये मूव्स एक दफा लगाओ और तुम लोगों को एक कॉर्नर मिल जाएगा। अच्छा, अब ये मूव्स को तुम लोग इग्नोर करो, मैं बताता हूँ। एल का मतलब है लेफ्ट लेयर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले ये पेयर जो है, ये पेयर लेफ्ट लेयर वाला, इस पेयर को ऊपर करके इस पेयर को बैक में कर रहे हैं, बैक में कर दिया। अब हमने सेम यही मूव राइट से करना है, राइट लेयर का पेयर ऊपर करके इसको बैक में कर देंगे, ऐसे ही है। अब हमने लेफ्ट वाला सॉल्व कर लेना और अब हमने राइट वाला भी सॉल्व कर लेना, आसान था। ये मूव्स हैं, तुम लोग मूव्स भी फॉलो कर सकते हो, बट मैंने तुम लोगों को आसान तरीके से बता दिया। सबसे पहले ये मूव्स लगाने के बाद तुम लोगों ने अपने एजेस मैच कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से ऊपर लेयर को घुमाओगे तो सारे एजेस मैच हो जाएंगे। अब ढूंढो कोई एक तुम लोगों को ठीक जगह पे मिल जाएगा, मुझे एक मिल गया, देखो ग्रीन ऑरेंज ये ठीक जगह पे है, बाकी तीनों ठीक जगह पर नहीं है। अब इसको हम रखेंगे राइट साइड पे, लाइक लेफ्ट पे नहीं, इसको हम रखेंगे राइट साइड पे और दोबारा यही मूव्स लगाएंगे एक दफा या दो दफा। एक दफा लगाने से अक्सर चारों मैच हो जाते हैं, एक दफा में ना हो तो दूसरी दफा लगाएंगे। दोबारा हम लेफ्ट लेयर का पेयर ऊपर करके उसको बैक में कर रहे हैं, उसके बाद हम राइट लेयर का पेयर ऊपर करके उसको बैक में कर रहे हैं। अब हम लेफ्ट लेयर वाला सॉल्व कर रहे हैं और अब हम राइट लेयर वाला सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एजेस को सॉल्व करना है, एजेस मैच करने हैं बेसिकली। और अब देखो ये तो पहले से ही ठीक था, ये भी ठीक हो गया, ग्रीन रेड ब्लू रेड ऑरेंज ब्लू चारों पीसेस ठीक हो गए। मतलब अब तुम लोगों ने सिर्फ चारों पीसेस को ऐसे ट्विस्ट करना है, समझ रहे हो बात को। अच्छा, लेकिन इस केस में हो सकता है कुछ लोग कहें कि यार हमारे कोई दो मैच कर रहे हैं और दो मैच नहीं कर रहे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ दो मैच कर रहे हो और दो मैच ना कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैं एंड पे सिखाऊंगा उसको कैसे सॉल्व करना है। अभी हमें यार जश्न मनाने दो, हमने चारों कॉर्नर्स को ठीक जगह पर कर लिया। चारों कॉर्नर्स ठीक जगह पर आने के बाद हमने इसको कर देना बॉटम में, और अपने राइट बॉटम में ऐसा कॉर्नर रखना है जिसको हमने ठीक करना है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है चारों कॉर्नर्स खराब हो, कभी दो और कभी तीन। अभी चारों वाली सिचुएशन है, ये सीख लोगे तो बाकी खुद ही आ जाएगा। हम इसको नीचे करेंगे, हमने ये वाला सॉल्व करना है, तो हम सेम वही आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, दो दफा या चार दफा लगाएंगे। पहले दो दफा, मैंने दो दफा लगाया, सॉल्व नहीं हुआ, वो वही है, ट्विस्टेड है। दो दफा और लगाऊंगा, सॉल्व हो गया। अब इसी जगह पर दूसरा पीस लेकर आऊंगा, ठीक है। मतलब ये था, इसी जगह पर इस पीस को लेकर आऊंगा और दोबारा यही मूव्स दो दफा या चार दफा में सॉल्व नहीं हुआ, चार दफा में हुआ। इसी जगह पे दूसरा पीस लेकर आऊंगा जो सॉल्व होना है, दो दफा पहले हो गया, आखिरी पीस पहले दो दफा। ओहो यार, अब भी अगर तुम लोग कहो तो मैं क्या कर सकता हूँ। चलो अगला केस भी दिखा देता हूँ। पिछले में हमने चारों ट्विस्ट करने थे, अब सिर्फ हमने तीन ट्विस्ट करने हैं। सेम वही टेक्निक, जिसको हमने सॉल्व करना है, ट्विस्ट करना है, उसको हम राइट बॉटम में रखेंगे और यही मूव्स दो दफा या चार दफा। पहले दो दफा, सॉल्व हो गया। दूसरा इधर, दोबारा यही मूव्स, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, दोबारा यही मूव, दो दफा में सॉल्व हो गया। आखिरी वाला लाएंगे, दो दफा या चार दफा, पहले चार दफा, सॉरी पहले दो दफा में नहीं हुआ, दोबारा दो दफा में ये सॉल्व हो गया, ऊपर का सारा बिगड़ गया, ये क्या बकवास है। कोई नहीं, दोबारा यही मूव्स दो या चार दफा लगाओ। मैंने दो दफा लगाया, इसका मतलब हमें दो दफा और लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब हुआ क्या, हुआ ये कि ये ट्विस्टेड है, इसको तुम लोगों को हाथ से ट्विस्ट करना पड़ेगा। तो कहीं पास्ट में तुम लोगों का क्यूब खुल गया था या तुम लोगों ने बहुत जोर से घुमाया और वो ट्विस्ट हो गया, अब ये कभी नहीं आएगा, ये सिचुएशन कभी नहीं आएगी। मुबारक हो, तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया क्यूब यार, अब लाइक तो करो। याद है जब हम चारों कॉर्नर्स को ठीक जगह पे ला रहे थे तो एक सिचुएशन का मैंने जिक्र किया था कि हो सकता है दो कॉर्नर्स ठीक जगह पर हो और दो ठीक जगह पर ना हो, लाइक ये ठीक जगह पर है, ये भी ठीक जगह पर है, ब्लू रेड, लेकिन ये दोनों ठीक जगह पर नहीं है, ऐसी सिचुएशन नहीं आ सकती। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है तो अपने क्यूब को खोलो और अब इसको सॉल्व स्टेट में सॉल्व कर लो, मतलब असेंबल कर लो। ये याद रखना, खोलते वक्त सबसे पहले एच पीस निकालेंगे और सॉल्व करते वक्त एंड पे एच पीस लगाएंगे, नहीं तो क्यूब तोड़ दोगे। अब स्क्रैम्बल करो,
कभी कोई सिचुएशन नहीं आएगी। मुझे पता है तुम लोगों का क्यूब सॉल्व हो गया और अब लोग चाह रहे होंगे इस क्यूब पे फिंगर ट्रिक सीखना और इस क्यूब को 10 सेकंड्स में सॉल्व करना, तो उसके लिए ये प्लेलिस्ट देख लो, रूबिक्स क्यूब को 10 सेकंड्स में कैसे सॉल्व करना है सारा बता रखा है। और अब तो लाइक और सब्सक्राइब।